established on 1st May 1897 by Swami Vivekananda himself. इसलिए ये संस्था करीब करीब 122 साल की पुरानी संस्था है। स्वामी जी इसके सामने दो आदर्श उन्होंने रखा था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना मुक्ति के लिए साथ के साथ जगत कल्याण के लिए। दोनों आदर्श उन्होंने ये संस्था के सदस्यों को सामने रखा, उसके अनुसार यहाँ का कार्यक्रम सब चलता रहता है। क्यों ऐसा रखा? पहले तो सन्यासी संत लोग कर्म से दूर रहते थे, संसार सब छोड़ के वन जंगल में रहा करके अपना जीवन का उद्देश्य में विजय प्राप्त करना, इसके लिए उन प्रयास करते थे। लेकिन स्वामी जी ने अपना गुरु श्री रामदेव की वाणी एवं संदेश के अनुसार उन्होंने समझ लिया था हर जीव का जीव समझ के सेवा करना, वो भी एक साधन मार्ग है जिसके माध्यम में खुद का चित्त शुद्धि से फिर ईश्वर प्राप्ति वगैरह हो सकता है। यही समझ से उन्होंने ऐसा कोई उन्होंने संस्था स्थापना किया। उन्होंने बोला ये देश एक समय इतना एक बड़ा देश था और उसके सब कहते थे सोने की चिड़िया, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ इतना गरीबी, इतना अशिक्षिता, इतना कुसंस्कार से भरे हुए ऐसा देश बन गया। इसका सुधारने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। शिक्षा के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था कैसी शिक्षा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा देश सुधारने का हम लोग सेवा करते हैं।
उसके अलावा गरीबों के लिए गदाधर विद्युत प्रकल्प चलाते हैं, उसके अंदर करीब करीब 200 बच्चों का नियमित रूप से हर रोज शाम को कुछ खाने का प्रस्तुत करना, प्लस एक नॉन फॉर्मल रूप में कुछ शिक्षा की प्राप्त करने का व्यवस्था नियमित रूप चलता है, प्लस हम लोग एक नियमित रूप से कोचिंग सेंटर चलाते हैं। वहाँ गरीब बच्चे लोग क्लास 5 से 9 तक करीब करीब 100 बच्चे का नियमित रूप से पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा चलता रहता है। उन लोग भी शाम को कुछ नाश्ता वगैरह जो भी मिलता है। देश का पुनर्जागरण करने का काम युवकों के द्वारा ही संभव है, लेकिन उसका नेतृत्व देंगे ऐसे कोई सन्यासी, सर्वत्यागी सन्यासी, उनका कोई अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं रहेगा। इस कारण से उन्होंने ऐसा एक संस्था स्थापना किया, उसके शीर्ष में नेतृत्व में रहेंगे सन्यासी वृंद। वो समस्त जगत में, संसार में सब कुछ त्याग करके जीव का शिव समझ के सेवा करने के लिए तैयार और प्रस्तुत रहेंगे, ऐसे उन्होंने प्रयास किया था। ये रामकृष्ण मिशन दिल्ली वही रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। इसका 90 साल के अधिक अभी आयु हो गया। इस समय यही शाखा केंद्र के अंदर हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম গাহো রাম কৃষ্ণ নাম জপ রাম কৃষ্ণ নাম নাম সুধা পানি রহো মত বিরাম আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহো রাম কৃষ্ণ নাম
পুকুর হলো পুনব্রজধাম, সখাগণ লয়ে খেলে লীলা অভিরাম, যেন মানস মুকুরে ভাসে, মানস মুকুরে ভাসে সে ছবি সুঠাম। রাম কৃষ্ণ নাম আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহ, রাম কৃষ্ণ নাম চন্দ্রা দেবী নম ক্ষুদিরাম, কৃপা ময়ী মা জননী লহ গো প্রণাম, নম নম চন্দ্রা দেবী নম ক্ষুদিরাম, কৃপা ময়ী মা জননী লহ গো চন্দন সমান, আমার মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান, জয় রাম বাটির মাটি চন্দন সমান, আমার মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান, মায়ের চরণে শরণ নিলে, চরণে শরণ নিলে উড়ে মনস্কার। রাম কৃষ্ণ নাম আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহ, রাম কৃষ্ণ নাম গাহ, রাম কৃষ্ণ নাম জপ, রাম কৃষ্ণ নাম নাম সুধা পানি রহ মত বিরাম, আজি প্রেমানন্দে মন রে গাহ, রাম কৃষ্ণ নাম গাহ, রাম কৃষ্ণ নাম গাহ, রাম কৃষ্ণ নাম। পেলে তো এক বহু সুন্দর মন্দির হ্যাঁ, শ্রী রামকৃষ্ণদেব মাতা শারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দকে মূর্তি এবং তসবিহ রাখা গিয়া, নিয়মিত রূপ সে পূজা পাঠ বগেরা চলতা রাতা হোজ আরতি ভি হতা রাতা হিসকে আলাবা নিয়মিত রূপ হর সপ্তাহ মে কম সে কম তিন দিন কই সৎসঙ্গ বা প্রবচন বগেরা হতা হিসকে আলাবা বিভিন্ন সময় বাহার সে এসে কই বক্তা কে লিয়া কি আমলোক উনকি দ্বারা ভি বহু সারা কার্যক্রম করতে হ্যাঁ। এক বহু সুন্দর পুস্তকালয় হিসকি সদস্য হোনে কে লিয়ে করি করিব তিন মহিনে সাড়ে তিন মহিনে অপেক্ষা করার পড়তা হমেশা এক সাড়ে তিন সো কে অধিক অপেক্ষা করতে রহতে হ্যাঁ, ওয়েটিং লিস্ট মে নাম লিখে বেঠ রহতে হ্যাঁ। উসকে আলাবা বহু সারা কিতাব বিক্রি কেন্দ্র বিক্রয় কেন্দ্র আর বুক স্টল কাতে হ্যাঁ, ও ভি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্ত লিটারেচার লিটারেচার প্রাপ্ত কর সকে, বেসে আপ জানতে হ্যাঁ বলো তো বহুত হি বহুত কম মূল্য মে এ সব কিতাব হম লোক নিকলতে হ্যাঁ, ও সব প্রাপ্ত কর সকতে হ্যাঁ। ইস আশ্রমে বহুত বড়া এক মূল্য শিক্ষা কা কার্যক্রম চলতা হ্যাঁ, উসকে অন্দর হম করিব করিব কশ্মীর সে কন্যাকুমারি তক 5,000 কে অধিক স্কুলো মে হম লোক এই প্রোগ্রাম চালাতে হ্যাঁ, উসকে অন্দর 80 কে অধিক
रिसोर्स पर्सन जो कार की कार्य की भार निभाते हैं उसके अंदर वो सब लगे हुए हैं, दिल्ली में भी और सारा भारत में भी विभिन्न क्षेत्र में ये सब काम देखभाल करते हैं। इसके अलावा आर्य समाज रोड में एक बड़ा टीबी क्लिनिक एवं प्री मेडिकल सेंटर, प्री टीबी क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर, वहाँ भी बहुत सारे मरीजों का सेवा होता है। करीब करीब 2000 टीबी पेशेंट्स हर साल हम लोग कम से कम मान लीजिए 100 से 120 बीच गरीब बच्चों का कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, करीब करीब 2.5 लाख की तक पहुंच जाता है संख्या में। इसके अलावा यहाँ एक स्थायी रूप में स्वामी विवेकानंद की एक प्रदर्शनी है, उसके अंदर स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक 17 मिनट का 3D फिल्म उनकी शिकागो भाषण के ऊपर हम लोग यहाँ स्थापना किए। इसके अलावा बहुत ही हाल में स्वामी विवेकानंद के कन्याकुमारी अनुभव के ऊपर एक वर्चुअल रियलिटी शो एवं दूसरा एक ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस, ये दोनों हम लोग अभी अभी उद्घाटन किया। ये सब ऐसे ही क्वालिटी शो भारत में अभी तक नहीं आया। इसके अलावा कई तरह बहुत बाहर जाके जहाँ से भी हम लोग बुलाते हैं वहाँ जाके बहुत सारा भाषण देना, कुछ सत्संग करना, ये भी चलता रहता है। ये आश्रम के साथ करीब करीब 85 स्टडी सेंटर, रामकृष्ण स्टडी सेंटर जुड़े हुए दिल्ली NCR रीजन के अंदर, वहाँ नियमित रूप भक्त लोग मिलके कुछ ऐसे कुछ अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, कभी कभी हम लोग भी वहाँ जाने का मौका मिलता है, हम सब सत्संग करने के लिए सब जाकर ले जाते हैं।